सबसे पहले आज अनुराग भदौरिया जी में आपके पास आते हुए, ये शफीकुर रहमान बर्ग साहब जामा मस्जिद में जल चढ़ेगा, कौन जा रहा है जल चढ़ाने, वहां मुसलमानों का खून बहेगा, माहौल खराब हो जाएगा, इस तरह की बातें क्या बताना चाहते हैं वो? बोलने दीजिए। हाँ, आपने सवाल पूछ लिया तो जवाब मुझे देने दीजिए। उनके सवालों को जब वो बोल रहे थे आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने बोला कि जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे सुनने में मिलता है कि जामा मस्जिद में जल चढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो जब जामा मस्जिद में जल चढ़ेगा तो उनका कहने का मतलब है कि सौहार्द का वातावरण खराब हो सकता है। जहांगीरपुरी में आप देख रहे हो ना किस तरह का माहौल हुआ, बिना परमिशन के उन्होंने शोभा यात्रा निकाल दी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि माहौल खराब हो, और जब माहौल खराब होता है तो गिरिराज सिंह का आप इंटरव्यू ले रहे थे, गिरिराज सिंह तो ऐसा लग रहे थे कि विपक्ष के नेता हैं, वो पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। उनकी पूरा आप 5-10 साल का इंटरव्यू ले लीजिए, एक ही बात रटते रहते हैं, अरे पाकिस्तान में किया जा रहा है, कौन कर रहा है, पकड़िए ना आप, कौन पाकिस्तान की स्क्रिप्ट रखता है, उसको अरेस्ट कीजिए, जेल में डालिए, किसने आपको रोका है? तो आप लाचार विचार, ऐसे लाचारी की तरह आप यहाँ आके बोलने लगते हो टीवी पे, इसके मतलब मंत्री लेने लायक नहीं है वो? उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, कहाँ लिखी जाती है, कौन बदमाशी भड़काने का काम अभी कौन कर रहा है? केंद्रीय मंत्री खून बहेगा, पूछना चाहता हूँ खून बहेगा, ये बयान कौन दे रहा है, किसका खून बहेगा, किसका खून बहेगा? मेरी बात पूरी, जामा मस्जिद में जल चढ़ा है क्या कि खून बहेगा? मैं मेरी बात पूरी होने जानी आप, अरे मेरी बात, उन्होंने क्या बोला, अगर ऐसा होगा, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं लगातार, मध्य प्रदेश में देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस तरह की घटनाएं, कभी मस्जिद के ऊपर चढ़ जाती है, ये क्या है, ये हमारा देश हिंदुस्तान है, क्या करना चाहते हो आप, हिंदुस्तान को क्या करना चाहते हो? आपको सिर्फ चुनाव दिखाई देता है, अभी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव आ गया तो आपने जहांगीरपुरी कर दी, इसके पहले जब चुनाव था तो फिर दिल्ली दंगे हो गए। दंगे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्यों होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व क्यों होते हैं, चुनाव को देखते हुए ही कार्यकर्ता क्यों होते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां बेचारा क्यों बनती है? अभी राजस्थान में जो हुआ वहां पर तो कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं दिल्ली में दंगे क्यों हुए, ठीक है इसका जवाब के शर्मा जी से ले लेती हूँ ना, बोले के शर्मा जी, आपने क्यों नहीं पूछा गिरिराज सिंह? अरे मैंने पूछा, आप मुझे सवाल थोड़ी ना बताएंगे अनुराग भदौरिया, आप मुझे सवाल बताएंगे, अनुराग भदौरिया बोल के चले गए, ठीक है जिनको मंत्री को यही नहीं पता दंगे हो रहे हैं कि नहीं, आप जवाब सुन लीजिए, अब सबर क्यों नहीं गए, मंदिर अगर तोड़ा गया तो आप जवाब सुन लीजिए ना अनुराग भदौरिया, ये तरीका वहाँ पे धरना दें जैसे हम लोग जहांगीरपुरी गए, अगर अन्याय हो रहा है तो अन्याय के खिलाफ खड़े होने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है, और ये जिम्मेदारी उनकी भी है गिरिराज सिंह की, अगर वहाँ अन्याय हो रहा है आपको ऑडियो में डाउन करा दूंगी, फिर आप कहेंगे कि बोलने नहीं देते हैं, और कह रही हूँ चुप हो जाइए तो लगातार आप बोलने जाएंगे, शब्दों का बुलडोजर तो मत चलाइए ना अनुराग भदौरिया, शब्दों का बुलडोजर मत चलाइए, थोड़ा ब्रेक लगाइए इस पर, के शर्मा जी जवाब दीजिए उनके सवाल, ठीक है सर, ओके। देखिए मैं केवल इतना सा याद दिला दूं कि शायद इनकी स्मरण शक्ति बहुत जो है कमजोर है, तो शांति रखो ना भैया, जनता ने इतना कुछ अभी सिखाया समझ में नहीं आया क्या? अलवर जाओ ना भाई, अलवर जाने में डर लगता है क्या? अरे भाई जनता ने अभी उत्तर प्रदेश में सिखाया, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, तो आप मान रहे हैं ना कि अलवर में जो हुआ वो गलत हुआ? एक सेकंड, के शर्मा जी, यानी कि समाजवादी पार्टी ये मान रही है कि कांग्रेस पार्टी के शासन में राजस्थान में जिस तरह से मंदिर गिरा है वो पूरी तरह से गलत है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, यानी कि आप इस बात को मान रहे हैं कि वहां पर सरकार गलत कर रही है, आप मान रहे हैं ना अनुराग भदौरिया? कम से कम इसको ऑफिशियली बयान समझा जाना है समाजवादी पार्टी का, ठीक है, मानना है, ठीक है, गलत हो रहा है, अरे सुन तो लीजिए, मेरा मानना है अगर कहीं गलत हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है उठ के खड़ा होना, अगर गलत है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है, और गलत नहीं है तभी विपक्ष नहीं जा रहा होगा, ठीक है, अब जवाब सुनिए, गलती है तो विपक्ष उठाए ना आवाज, बोले के शर्मा जी, प्रदर्शन करे गलत हुआ है, ओके, जैसे जहांगीरपुरी में गलत हुआ है, ठीक है, अनुराग भदौरिया प्लीज, के शर्मा जी, समाजवादी पार्टी की प्रकृति को एक लाइन में समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के परिणाम आने के बाद ये 1.5-2 महीने तक बिल में घुसे रहे, ये निकले नहीं, किसी डिबेट में नहीं आए सर्व से, आज हिंदू मुसलमान की बात उठाकर आज इनको लग रहा है कि सांप्रदायिकता का फसल काटना है, तो ये आज जो है टीवी में अवतरित हो गए और बयानबाजी इनकी चालू हो गई, तो इसी से आप समझ सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको तगड़े से जवाब दिया और घर बैठा दिया अखिलेश यादव से लेकर इन सबको, अभी अभी इन्होंने कहा कि जहां वो भाजपा की सरकार है वही दंगा होता है, ये भूल गए, इनकी स्मरण शक्ति इतनी कमजोर है, मुजफ्फरनगर के दंगे किसके शासनकाल में हुए, और उसमें उस दंगे के बाद इनका क्या रोल था, उसके दंगे के बाद इनका ये रोल था कि इस दंगे में
हिंदू मुसलमान किसी की भी हो हानि उससे कोई लेना देना नहीं। मुआवजा देंगे तो सिर्फ हम मुसलमानों को देंगे, हिंदुओं को मुआवजा नहीं देंगे। ये बकायदा इन्होंने रूल पारित किया उस समय, तो इसके लिए फटकार भी खाई कोर्ट से इन्होंने। तो इनकी मानसिकता, इनकी सांप्रदायिक मानसिकता समाजवादी पार्टी की पूरा देश जानता है, इसीलिए जनता ने इनको फिर से जवाब दिया। और इस तरह घर पे अब देखिए ये पलट के भागे। अब मैं ये कह रहा हूँ, ये बर्क हो या तो तौकीर रजा हो, हमें मिल गया है। इस तरह मैं नहीं बोलूंगा, इस तरह मैं नहीं बोलूंगा। अनुराग भदौरिया, अगर आपको ये पूरी डिबेट चलानी है तो फिर बाकी लोग चुप हो जाते हैं। अभी यहाँ पर एक सेकंड, अनुराग भदौरिया एक सेकंड, ठीक है, महंगाई पर वो जवाब देंगे, ठीक है, लेकिन अभी जिस टॉपिक पर आप बैठे हुए हैं अनुराग भदौरिया जी, जहाँ गिरपुरी तो समाजवादी पार्टी के नेता चले जाते हैं अपनी सियासत को चमकाने के लिए, उतरिए सड़क पर, है ना, 111 सीटों वाली पार्टी आपकी, उतरिए लखनऊ की सड़कों पर और कीजिए महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। किसने रोका है आपको? आपकी भी जिम्मेदारी है ना, अगर 111 विधायक हैं। अब मैं आपसे एक सेकंड अनुराग भदौरिया, उनको बोलने दीजिए, ये तरीका ठीक नहीं है। अनुराग भदौरिया की आवाज प्लीज डाउन की जाए।